रणनीति पर चर्चा हुई है सर, कोई फैसला लिया गया? सेकेंड ब्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक के अंदर लगभग 245 करोड़ रुपया इरिगेशन विभाग, 50 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ विभाग बोर्ड ने मंजूर किया है। आने वाले हमारे मॉनसून सीजन से पहले टेम्परेरी सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन के तहत हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर नई पाइपलाइन ले डाउन कर कर प्रॉपर व्यवस्था शहरों में बनाई जाए। ख़ास तौर पर 12 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर पानी रुकता था, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद होती थी, वहाँ पर परमानेंट सीमेंटेड पाइपलाइंस, पंप सेट्स और साथ के साथ उनके टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हम उपलब्ध टाइमली करवाएंगे। साथ में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के हाथ में एक फंड हम पहले ही, जैसे कोविड में हमने अलॉट किया था, हम अलॉट करेंगे, जिससे जहाँ भी पानी खड़ा होता है वहाँ जल्दी से जल्दी डीजल पंप सेट लगा कर किसान के खेत के अंदर पानी का ठहराव हटाया जाए। खासतौर पर एक स्कीम करनाल के अंदर बनाई गई जिसके अंदर 2 ग्राम पंचायतों की ज़मीनों को लैंड बैंक के तौर पर यूज़ किया गया, जहाँ इस तरह का पानी नॉन रेनी सीजन में एग्रीकल्चर के लिए स्टोर किया जाएगा, जिससे ग्राउंड लेवल रिचार्ज हो और रेनी सीजन के अंदर उसको आगे इंद्री की जो हमारी ड्रेन है उसके साथ जोड़कर यमुना के अंदर डाला जाए। साथ में खीर, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, इन जिलों के अंदर स्पेशलाइज्ड जहाँ हाई, जहाँ पानी की गहराई ज़्यादा है, वहाँ पर पाइपलाइन के साथ साथ वाटर रिचार्ज के भी सिस्टम प्लान किए जाएंगे, जिससे ग्राउंड वाटर भी उस एरिया का रिचार्ज हो और जिस एरिया में पानी ऊंचा है वहाँ पर सीमेंट पाइप के माध्यम से पानी को ड्रेन्स के अंदर डालकर जल्द से जल्द वहाँ डी वाटरिंग करेंगे। और पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर इरीगेशन के जो हम खाले बनवाते हैं, माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स लेते हैं, वाटर टैंक लेते हैं, आज उसको पूरी तौर पर डिजिटलाइज किया गया है और जो पहले हमारा काडा होता था उसको आज रीनेम करके माइक्रो इरीगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर, मी काडा के तौर पर ऑफिशियल पोर्टल के तौर पर लॉन्च किया गया है। अब दफ्तरों के चक्कर काटने की किसान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको भी अगर अपने खाले रिपेयर करवाने हैं, जिसको माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स अपने खेत के लिए लेने हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फ्लड कंट्रोल के लिए जैसे ड्रेनेज की सफाई वगैरह का हर साल करते हैं, क्या इस बार योजना रहेगी? क्योंकि हमेशा जनवरी में मीटिंग होती है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो यमुनानगर में देखा ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर्स को और दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं और साथ में आज इस मीटिंग के अंदर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी लगाई गई है कि जो हमारे DMCs हैं उनके और डिप्टी कमिश्नर के साथ उनके SCs इन टच आए और अगर शहरों में कहीं भी इस तरह का ड्रेनेज के अंदर दिक्कत है, लो लाइन एरिया है, उसको भी एडिशनली बोर्ड की जो अगली बैठक होगी अप्रैल के अंदर उसके अंदर लेकर आए, उसके लिए एडिशनल टाइम भी देंगे। पिछले साल जो प्रडिक्शन थी उससे कम बारिश हुई और हमारे प्रदेश के अंदर फ्लड वाली स्थिति कहीं नहीं आई, वाटर लॉगिंग थी उसको टाइमली निपटाया गया। डिपार्टमेंट जो मेट्रोलॉजी का है उनके भी अधिकारी आए थे, उन द्वारा यही बताया गया है कि इस बार नॉर्मल रेनफॉल संभावित है, मगर जो वेदर्स हैं, जो एक्सट्रीम समर आती थी इस बार उसके चांसेस कम हैं, उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट अपनी तैयारी कर। सर, महत्वपूर्ण दिन है, कोरोना वैक्सीन की शुरुआत देश में हो चुकी है, हरियाणा सरकार की तरफ से ऑफिशियली अभी कुछ कहा नहीं गया है कि जिस तरह से पंजाब ने ऐलान कर दिया है कि सबके लिए फ्री हो। केंद्र सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पूरे देश के अंदर हैं उनके लिए आज देश भर में कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल और फ्री टीकाकरण उनका शुरू करवाया है। मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को,
कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लेवल पर अगर इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुई है तो हमारे देश के अंदर, यहाँ प्रदेश के अंदर बात है, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं 3 चरणों के अंदर वैक्सीनेशन के ऊपर निर्णय ले रही है। पहला चरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, फिर सीनियर सिटीजन्स का है। जिस दिन केंद्र सरकार अगर कोई भी अनटस्ट व्यक्ति छोड़ते हैं जिसको आज ज़रूरत है वैक्सीनेशन, तो प्रदेश सरकार उसमें निर्णय भी लेगी और उसका टीकाकरण भी कराएगी। सर, इनसो नेता दिग्विजय चौटाला ने भी डिमांड की है, तो आपको निरंतर बोला है ऑन टाइम पंचायत इलेक्शन नंबर 50 के अंदर और उसकी ड्यू डेट मेरे ख्याल से तो आखिरी सप्ताह फरवरी के अंदर। प्रदेश की तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दे दिया गया है और जल्द जो नई पंचायतें हैं उसकी नोटिफिकेशन भी हम जारी करेंगे। सर, किसानों के आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? 19 तारीख को फिर एक बार बातचीत हो रही है और अभी तक जो है वो समाधान जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उसके बावजूद किसान जो है वो वापस लेने की मांग कर, केंद्र सरकार आज भी प्रोएक्टिव है, कल भी बैठक हुई है, दोबारा एक बैठक रखी है, स्टे के बावजूद भी किसानों से चर्चा करी जा रही है, विषय पर बात करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है, मैं तो स्वयं आज अखबार में देख रहा था कि एक सदस्य ने उस कमेटी से अपने आप को रिक्यूज़ किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को दोबारा बना देती है और वो भी किसान संगठनों से चर्चा करकर कोई तो निष्कर्ष निकालते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि स्टैंड अप जल्दी निपट सकता है। तो मैं पूरी आशा है कि इसका निपटारा जल्दी होगा, मगर जिस तरीके से ये प्रोलॉन्ग हुआ है, जो डिमांड्स है, मुझे लगता है बिना चर्चा के इसका निष्कर्ष निकालना। सर, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब हरियाणा की सरकार अविश्वास जो है वो में आ चुकी है और अगर विधानसभा का सेशन होता है तो सरकार जो है वो गिर सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा सरकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सरकार जैसे ही केंद्र का बजट आएगा उसके तुरंत बाद प्रदेश का बजट सेशन भी रखेगी, कोई एक दिन का नहीं होगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को इतने दमदार मानते हैं, उस दिन आकर अविश्वास सदन के अंदर ही मांग कर, विधानसभा के एक सदस्य वैशिक चौटाला उन्होंने एक वर्ड यूज़ करके चिट्ठी लिखी है, उसको आपने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न, मैंने कहा आप लोगों ने छापा है तो वो खबर गलत छपी अखबारों में, जिन्होंने छापी है आपके नाम से वो खबर गलत है। मैं तो सीरियस पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो टिप्पणी कर सकता हूँ, नॉन सीरियस के खिलाफ।